हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा कर्ल होती क्या चीज़ है, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम लोग किसी भी क्लोज लाइन इंटीग्रल की अगर बात करते हैं, इन्हें लैमर वेक्टर फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व, क्लोज लाइन इंटीग्रल, जो टोटल इंटीग्रल की वैल्यू होती है इन एनी शेप, वो क्या हो जाएगी, जीरो। बट इन सम कुछ फील्ड में, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, तो लाइन उसके अलोंग जो होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सच ए लाइन इंटीग्रल इट कैन नॉट बी जीरो, है ना कुछ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइम पे कि जब हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को नॉन जीरो दिखाना हो, तो हम कर्ल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि एक वेक्टर फील्ड हम लोग लेके चलते हैं, वी इज ए वेक्टर फील्ड अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो अगर कर्ल वी हमें दिखाना हो, कर्ल वी, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, डेल क्रॉस वी। ठीक है, तो इसके लिए डेल की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ऑफ आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई ऑफ जे कैप एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड ऑफ के कैप, है ना। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें इसकी वी के साथ, वी एक्स ऑफ आई कैप, वी वाई ऑफ जे कैप एंड वी जेड ऑफ के कैप। ठीक है, तो अब देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग हमारे पहले ही एक क्लासेस में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई विल डायरेक्टली से कि जो आई क्रॉस आई होगा ये जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के जीरो हो जाएगा, सिमिलर जितने भी होंगे ये सब की क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, जीरो। एंड द वैल्यू विल एग्जिस्ट अलोंग द नॉन सिमिलर सिमिलर क्वांटिटीज, जैसे कि आई क्रॉस जे एग्जिस्ट करेगा, आई क्रॉस के एग्जिस्ट करेगा इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैनर। हम लोग ये सब कुछ सारा का सारा रिजल्ट पहले सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख लेना अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है बेटा, तो अभी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अपने रिजल्ट को, कर्ल वी ऑफ वाई, कर्ल एक्स के कैप, कर्ल वी ऑफ जेड, कर्ल एक्स माइनस जे कैप प्लस कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल वाई माइनस का के कैप प्लस कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल वाई आई कैप, कर्ल वी ऑफ एक्स कर्ल जेड जे कैप, कर्ल वी ऑफ वाई कर्ल जेड माइनस का आई कैप। ठीक है, अब आई कैप वाले कंपोनेंट्स को एक साथ ले लेंगे और जे को एक, के को एक, कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल वाई माइनस का कर्ल v ऑफ y अपॉन कर्ल z i कैप, कर्ल v ऑफ x अपॉन कर्ल z माइनस का कर्ल v ऑफ z अपॉन कर्ल x j कैप, कर्ल v ऑफ y अपॉन कर्ल x माइनस का कर्ल v ऑफ x अपॉन कर्ल y k कैप। ठीक है, हम लोग इसे, ये जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में, कर्ल ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप एंड दैट इज कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई, कर्ल अपॉन कर्ल जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, दैट्स इट, दिस इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ये बेटा देखो, ये जो ये सिंबल है इसको मैं बार बार कर्ल का ही नाम दे रही हूँ, आप लोग इसे डिफ्रेंशिएटिंग बोलना, डिफ्रेंशिएटर। ठीक है, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड, पार्शियल डेरिवेटिव बोलना। ठीक है बेटा, तो अब फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड की। जो फिजिकल से कर्ल होती है बेटा किसी भी एक वेक्टर फील्ड की, वो एक पॉइंट पे डिफाइन की जाती है बाय द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। मतलब कर्ल एक पॉइंट पे डिफाइन की जाएगी किसी भी वेक्टर फील्ड की बाय द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। तो अभी एक बार इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, हम एक पर्टिकुलर
लाइन सेगमेंट को ले लेते हैं, क्लोज्ड कर्व को, जो कि एक वेक्टर फील्ड वी के अंदर रखी जाती है। वेक्टर फील्ड वी की इंटेंसिटी वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट, देखो ऊपर बहुत ज़्यादा है उसके बाद कम हो गई, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया मेरा ए बी सी डी, दैट्स इट। अब इस ए बी सी डी को हम इसके सेंटर पॉइंट से ओरिएंट करेंगे, ओरिएंटेशन शो करेंगे। सबसे पहले यहाँ वन पोजिशन पर रखा गया कि जो ये वैक्टर फील्ड वी है ये कुछ इस टाइप से रखा गया कि इसके बीचों बीच से सेंटर से ये ऐसे, जैसे कि वेक्टर फील्ड अगर मेरा ऐसे है, ये देखो ये जा रहा है, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो देखो जो ये वेक्टर फील्ड वी की लाइन है ये मेरे हाथ के जो यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है इसके हर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर में हुई ना, है ना। तो जब परपेंडिकुलर में हुई तो लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी अलोंग सच इंटीग्रल, जब परपेंडिकुलर था तो अलोंग द पोजिशन वन जो ए बी सी डी क्लोज पाथ की वैल्यू होगी वो हो जाएगी जीरो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसे रखते हैं सेकंड पोजिशन पे, जैसे कि इस पोजिशन पे रखा मैंने इसको सेकंड पोजिशन पे, मतलब कि कंप्लीट ऐसे, जैसे ये मेरा वेक्टर फील्ड भी है ना, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया ऐसे, ठीक है, अलोंग द वेक्टर फील्ड। तो जब मैंने रखा मैंने देखा कि ए बी और सी डी, ये देखो ए डी और बी बी सी, ए डी और बी सी ये तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं अलोंग द वेक्टर फील्ड, बट ए बी और सी डी ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइम पे जो हमारी कर्ल की वैल्यू होगी, वेक्टर फील्ड की वैल्यू होगी अलोंग द क्लोज्ड पाथ, वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों की दोनों डिफरेंट होगी, देखो यहाँ इंटेंसिटी वेक्टर फील्ड की ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है, तो इसीलिए ए बी और सी डी की भी कर्ल की वैल्यू, सॉरी ये फिजिकल सिग्निफिकेंस, सॉरी आई एम सेइंग, तो इसीलिए देखो ए बी और सी डी के ऊपर क्योंकि जो इंटेंसिटी है मेरी वेक्टर फील्ड की बेटा वो ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट है, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ डिफरेंट दीज इंटेंसिटीज अगर हम टोटल इसकी क्लोज पाथ की बात करेंगे तो ये कम और ज़्यादा होने की वजह से भी सब्ट्रैक्शन के बाद भी कैंसिल आउट नहीं होगा, और ज़्यादा में से जब कम सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए इस टाइम पे जो ए बी सी डी के अलोंग होगा ये टोटल क्लोज्ड पाथ की वैल्यू नॉन जीरो होगी, दैट्स इट। अभी हम लोग बात करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन, अब हम लोग बात करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर करेंगे और एक रेक्टेंगुलर एरिया लेंगे ए बी सी डी इस पर प्रॉपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये दो एक्सिस होंगी, वी वेक्टर फील्ड में इसे रखा जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस इट्स कंपोनेंट इज वी एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस इट्स कंपोनेंट इज वी वाई। पी पॉइंट के ऊपर हम लोग एक्स के कंपोनेंट को वी एक्स लेंगे और वाई के कंपोनेंट को लेंगे वी वाई, जैसे कि हमने डाइवर्जेंस में किया था। फिर उसके बाद जो ये कंप्लीट लेंथ होगी बेटा इसको कंसीडर करेंगे dx, और क्यू पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ को, क्यू को हम लोग ओरिजिन पे लेंगे और यहाँ देखो इसे ओरिजिन पॉइंट पे मान के फिर ये देखो नेगेटिव x में जाएगा, ये पॉजिटिव x में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ dx, और ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ माइनस का हाफ dx। सिमिलरली इन द सेम वे ये कंप्लीट हो जाएगा dy, ठीक है, तो ये ऊपर वाली हो जाएगी हाफ dy और ये नीचे वाली हो जाएगी माइनस का हाफ dy, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो ये P पॉइंट पे हमने कंपोनेंट्स को लिया vx एंड vy, अब हम T पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले T पॉइंट के बजाय हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ बाद में आएंगे, अलोंग x एक्सिस के कंपोनेंट में अंदर चेंज करेंगे तो हम लोग R पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो R पॉइंट पे देखो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग वी एक्स कंपोनेंट में अलोंग y एक्सिस जो चेंज होगा उसकी बात करेंगे। तो वी एक्स में अलोंग y एक्सिस जो चेंज होगा उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कर्ल v ऑफ x अपॉन कर्ल y से, है ना। अब उसके बाद पी आर क्या है एक्चुअल में, देखो PR क्या है बेटा मेरा हाफ dy, है ना, हाफ dy, यहाँ हमने इसकी बात की थी, ओके। तो आप इंक्रीज कर, इंक्रीमेंट क्या होगी vx में P2R, इंक्रीमेंट vx में फ्रॉम P2R क्या होगी, ये हाफ कर्ल v ऑफ x अपॉन कर्ल y dy,
है ना, ये चेंज और इसके अंदर ये टोटल लेंथ इसकी। अब देखो हमने ऐसे ही डाइवर्जेंस में किया था, अब आर पॉइंट पे हम लोग एग्जैक्ट वी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगी एट आर पॉइंट क्या होगा, ऐड कर देंगे वी एक्स प्लस का हाफ कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल वाई डी वाई अलोंग आर सी, अलोंग आर सी, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस, दैट्स इट। ये हमारे R पॉइंट पे वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब उसके बाद Q पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, देखो Q पॉइंट पे, अब देखो Q पॉइंट क्या था, नेगेटिव है, नेगेटिव में है ना, अलोंग Y एक्सिस नेगेटिव में है, तो यहाँ जस्ट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो Q पॉइंट पे क्या आएगी वैल्यू वी एक्स माइनस का हाफ कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल वाई डी वाई अलोंग क्यू बी, अलोंग क्यू बी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सारी की सारी हम लोग पॉजिटिव की ही बात करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करेंगे दोनों के दोनों साइड्स में, ठीक है। तो अब उसके बाद इन द सेम वे अब हम लोग टी की बात करेंगे, टी पॉइंट पे, तो देखो अब हमने क्या करेंगे, जब हमने आर की बात की थी तो हमने वी एक्स के अंदर चेंज को फाइंड आउट किया था, अब टी पॉइंट की बात करेंगे हम, तो हम वी वाई के अंदर चेंज को फाइंड आउट करेंगे, है ना, वी वाई के अंदर जो चेंज होगा अलोंग एक्स एक्सिस इसकी बात करेंगे। तो सिमिलरली टी पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, वी वाई प्लस का हाफ कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स अलोंग टी सी, अलोंग टी सी, मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की ही बात करेंगे। सिमिलरली इन द सेम वे वी विल टॉक अबाउट एस पॉइंट, एस पॉइंट यहाँ नेगेटिव में है जो एक्स एक्सिस के, तो यहाँ क्या होगा वी वाई माइनस का हाफ कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स अलोंग, अलोंग किसके एस डी, है ना, अलोंग एस डी, दैट्स इट। ये हमने चारों के चारों पॉइंट्स पे जो टोटल मैग्नीट्यूड हुआ चेंज वी एक्स एंड वी वाई कंपोनेंट के अंदर, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें कर्ल को फाइंड आउट करना है ना, तो अलोंग दिस बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे, अलोंग दिस बाउंड्री जब फाइंड आउट करेंगे तो ए बी के अलोंग जो वैक्टर कंपोनेंट है उसको, इसको 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 चारों साइड्स के अलोंग जो वैक्टर कंपोनेंट है उन सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो अब यही हम लोग करेंगे, तो वैक्टर कंपोनेंट टोटल बाउंड्री ए बी सी डी के अलोंग जो भी कंपोनेंट्स होंगे हम उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ए बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको ऐड किया जाएगा, फिर ऐड करेंगे हम लोग बी सी के अलोंग कंपोनेंट को, फिर ऐड करेंगे हम लोग सी डी के अलोंग कंपोनेंट को, एंड देन डी ए के अलोंग कंपोनेंट को। देखो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है, इन चारों के अलोंग कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और पॉजिटिव वाई एक्सिस की, ए टू बी जब हम लोग गए तो इसी डायरेक्शन में गए, ये पॉजिटिव है, ठीक है, बी टू सी जब हम लोग गए तो इसी डायरेक्शन में गए जिसमें हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात कर रहे थे, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो हमने वैल्यू निकाली थी अभी, ये क्या निकाली थी, अलोंग आर सी निकाली थी, है ना, एट आर पॉइंट पे वी एक्स का मैग्नीट्यूड अलोंग आर सी निकाला था। लेकिन देखो जब हम एडिशन कर रहे थे अलोंग द टोटल बाउंड्री, तो सी डी, सी डी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो विद ए नेगेटिव साइन ऐड होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इन द सेम वे यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग गए थे अलोंग एस डी, है ना, यही निकाला था ना, एस के अलोंग कंपोनेंट अलोंग एस डी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है डी ए, तो इसके साथ ये जो कंपोनेंट आएगा ये भी नेगेटिव साइन के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो इन सबको अब हम लोग लिखेंगे वी एक्स प्लस माइनस का, वी एक्स माइनस का हाफ करली वी ऑफ एक्स अपॉन करली वाई डी वाई डी एक्स, वी एक्स प्लस का हाफ करली वी ऑफ एक्स अपॉन करली एक्स डी एक्स डी वाई, माइनस का वी एक्स प्लस का हाफ करली वी ऑफ एक्स अपॉन करली वाई डी एक्स, माइनस का वी वाई माइनस का हाफ करली वी ऑफ वाई अपॉन करली एक्स डी एक्स डी वाई, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ये दोनों कंपोनेंट्स विद नेगेटिव साइन ऐड होंगे। इस सबको सोल्व आउट करने के बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा करली वी ऑफ वाई अपॉन करली एक्स करली वी ऑफ एक्स अपॉन करली वाई डी एक्स डी वाई। अब क्योंकि ये मेरा एक्स वाई प्लेन था तो डी एक्स इंटू डी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके एरिया को। अब अगर मैं इस कर्ल की बात करूँ, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आई है ना, ये लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अगर मैं बात करूँ, पर यूनिट एरिया, तो क्या आएगा डी एक्स डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल एक्स माइनस का कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल वाई, ठीक है।
ओके बेटा। तो अब देखो ये हमने क्या किया था, अलोंग एक्स वाई प्लेन ये मेरा निकला है ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर निकला है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक्स वाई प्लेन के, लाइन इंटीग्रल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है ना, तो इसीलिए ये क्या हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा, इसका मतलब ये जेड कंपोनेंट हुआ तो क्या आएगा कर्ल वी अलोंग जेड कंपोनेंट, क्या आएगा कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल एक्स माइनस का कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल वाई के कैप, ठीक है बेटा। अब उसके बाद ये देखो ये मैंने अभी अभी क्या कहा, कर्ल कर्ल हमेशा क्या आता है बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, तो द सरफेस एरिया कर्ल हमेशा क्या आता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सरफेस एरिया की, तो इसीलिए ये एक्स वाई प्लेन में जब हमने निकाला था तो जो ये रिजल्ट आया एक्स वाई प्लेन के कर्ल का, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि होगी जेड एक्सिस, इसीलिए ये कर्ल वी ऑफ जेड कंपोनेंट मेरा मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसे फाइंड करेंगे एक्स जेड प्लेन में तो जो मेरा कर्ल होगा अलोंग वाई कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू कर्ल वी ऑफ वाई कर्ली वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल जेड माइनस का कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल एक्स जे कैप। सिमिलरली अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे वाई जेड प्लेन में तो मेरा एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या होगा कर्ल वी ऑफ एक्स, तो क्या आएगी कर्ल वी ऑफ जेड माइनस का कर्ल बाय कर्ल वाई माइनस का कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल जेड आई कैप। ये देखो तीनों एक्सिस के अलोंग जो मेरी कर्ल कंपोनेंट की वैल्यूज थी वो आ गई, तो टोटल कर्ल कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, और इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन एज इट आ जाएगा। तो हमने कर्ल को किस में रिप्रेजेंट कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, दैट्स इट। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक जो कि यहीं ख़त्म होता है। ओके थैंक यू।